नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बेहद युवा और गुणी कलाकार नवीन गंधर्व जी, जो बजाते हैं एक अनोखा वाद्य यंत्र। अनोखा इस लिहाज से क्योंकि वो है वायलिन और सारंगी का मिश्रण, और उस अनोखे वाद्य यंत्र का नाम है बेला बहार। सबसे पहले तो स्वागत है नवीन जी आपका। जी बहुत बहुत नमस्कार, और रागीगिरी के सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी, पहला सवाल और पहली जिज्ञासा तो हर व्यक्ति की जो इस वक्त इस इंटरव्यू को देख रहा है वो यही होगी कि ये बेला बहार है क्या। मैं जब कह रहा हूँ कि वायलिन और सारंगी का मिला हुआ एक स्वरूप है जिसमें गायकी का भी मिश्रण है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, और फिर इसके इन्वेंशन पे जो आपके पिताजी ने ही किया उस पर भी जाएंगे, लेकिन पहले इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताइए। जी जरूर। मेरे पिताजी पंडित बाबूलाल गंधर्व जी ने अपने युवा अवस्था में सारंगी, वायलिन और वोकल सीखा था, पर उनको वायलिन टेक्निकली जरा बजाने में ज़्यादा इजी लगता था, और उसी को उन्होंने फिर आगे बढ़ाया। और कुछ वर्षों के बाद उनको बजाते बजाते ऐसा एहसास हुआ कि जो हमारे जो भारतीय वाद्य हैं जिसमें तरबे होती है, जो मैं आपको बता दूँ, ये जैसे ये जो तरबे हैं, तो इनका काम क्या होता है कि जैसे हम कोई कोई सुर यहाँ बजाते हैं तो उस सुर की आस को वो बढ़ा देता है, और उससे वो मधुर भी साउंड करता है। तो ये उन्हें वायलिन में नहीं मिल रही थी, तो काफी वर्ष उन्होंने इस बारे में सोचा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस वायलिन में बहुत हो चुकी थी और वो सारंगी में वापस नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि कंपैरेटिवली वायलिन में टेक्निकली थोड़ा फिजिबल होता है, इसमें चार फिंगर्स मिल जाती है वायलिन में, और सारंगी में तीन फिंगर होती है, और ज़्यादा काम थर्ड फिंगर एक एक पे ही ज़्यादा वजन आ जाता है। तो उन्होंने फिर कुछ सोचा कि कुछ नया करना चाहिए। तो ऐसे में क्या हुआ कि ये 1980 की बात है, और 1980 में फिर उन्होंने ये सोचा कि मैं इसको मैंने जो सारंगी सीखी है और ये वायलिन बजाए, इन दोनों को कुछ मिला के कुछ करना चाहिए मुझे। तो उन्होंने एक कोशिश की कि जो वायलिन होता है उसमें तरब ऐड की। तो तरब ऐड करने से क्या हुआ कि वो वायलिन जो है वो प्लाईवुड का बना होता है, तो वो उसका टेंशन झेल नहीं पाया और बैंड हो गया। तो वो काम सक्सेस नहीं हुआ। फिर बाद में उन्होंने ये गौर किया कि सारंगी और सरोद और जितने भी तरब के इंस्ट्रूमेंट है उसमें सॉलिड वुड होता है, जैसे ये जो है वो सॉलिड वुड है, प्लाईवुड नहीं है, तो ये कंपैरेटिवली बहुत स्ट्रांग होता है तरब और जो स्किन का टेंशन झेलने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि 200 साल पुरानी टीक वुड, सागी की जो लकड़ी होती है, उस पर उन्होंने कार्व किया, मतलब जैसे एक वो मूर्तिकार कैसे मूर्ति को तराशते हैं, तो उसी तरह इस लकड़ी को तराशा। और इसके पहले उनके जो थॉट प्रोसेस चलते थे वो कम से कम 6-7 साल तक उन्होंने इस बारे में सोचा था कि मैं क्या करूँगा, उसका पेपर पे एक नक्शा भी बनाया था, उसकी आकृति कैसी होगी ये भी उन्होंने सोचा था। उन्होंने सोचा था कि सारंगी की ध्वनि हो पर इसका जो शेप हो वो वायलिन से मिलता जुलता हो, ताकि जो उनकी प्रैक्टिस हो गई है बहुत सारी वो इसमें काम में आ जाए। तो सरस्वती माँ की बहुत कृपा हुई कि उन्होंने इसको बनाने की कोशिश की, और पहले ही अटेम्प्ट में ये सक्सेसफुल हुआ, और उन्होंने क्लासिकल से लेके हर फील्ड में इसको अच्छे अच्छे दिग्गज कलाकारों के साथ बजाया। और एक खास बात है कि जो हम तबला, सितार और सारंगी को हम लोग अभी सुनते हैं, तो इनका क्या है कि ये न जाने किस सेंचुरी में बने थे और आज बहुत प्रचलित हो रहे हैं, पर बेला बहार का ये है कि ये इसी सदी में बना, और मतलब 30 उसके बनने के 30 साल बाद एक दूसरी पीढ़ी, मतलब मेरे रूप में ये आपके सामने है, और कोशिश कर रहा हूँ कि ये और ज्यादा लोगों के सामने भी आए। तो मैं इस बात को एक बार फिर से दोहराता हूँ कि नवीन जी के पिता पंडित बाबूलाल गंधर्व जी ने इस बेला बहार इंस्ट्रूमेंट की, जिसको मैंने शुरुआत में बताया कि सारंगी और वायलिन का मिश्रण है,
इसका इन्वेंशन क्या, इसकी इजाद की, और उसी पर हम अब बात करने जा रहे हैं। थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट दिखा के भी बताइए नवीन जी की, जो जो तार लगे हैं उसके बगल में एक अलग से ब्रैकेट जैसा दिख रहा है, वो सारी चीजें क्या है दरअसल? जी जी बिल्कुल। अब ये आमतौर पर आपको देखने से वायलिन जैसा ही लगेगा, पर लोग इसको, ज्यादातर लोग इसको वायलिन ही समझते हैं, मतलब जो म्यूजिक में ऊपर ऊपर से देखते हैं। अब देखिए ये कितना अलग है। एक तो सबसे पहले मैंने जो बताया था, ये ठोस लकड़ी है, और उसके बाद में ये इसमें स्किन है, ये जो हम लोग तबले पे, सारंगी पे, सरोद पे जो लगाते हैं वो स्किन है ये। फिर इसके बाद में इसमें, इसकी सबसे खास बात ये है कि इसमें फाइन ट्यूनर्स है, क्योंकि भारतीय साजों में तरबों के लिए फाइन ट्यूनर्स किसी इंस्ट्रूमेंट में नहीं है। सिर्फ ये बेलाभार की ये खासियत है, क्योंकि इसको कोई भी राग हो उसको ट्यून करने में मैक्सिमम 2 मिनट ही लगते हैं, वरना दूसरे इंस्ट्रूमेंट में 10 मिनट भी लग जाते हैं। तो ये इसकी एक नई पहचान है। और इसके अलावा ये जो तरबों के तार है, ये इसके नीचे से भी गए हुए हैं, और इसमें टोटल 28 स्ट्रिंग्स हैं। ये जो 5 इस पे गज चलता है, ये जो गज बो जिसको बोलते हैं, ये इस पे बजता है। और ये अगर हम लोग एकदम सुई बराबर जगह पे हाथ रख के एकदम सुर में बजाए तभी ये तरबें बजेगी, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो वो होने के लिए एक तो ईश्वर का बहुत आशीर्वाद चाहिए, और जो हमारे चाहने वाले उनकी दुआएं लग जाती है तब कभी कभार सुर लग जाता है। तो आपने ईश्वर के आशीर्वाद और चाहने वालों की दुआओं का जिक्र किया, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि यही गुजारिश करूँ आपसे कि क्यों ना इस लाजवाब इंस्ट्रूमेंट से कोई भजन सुनाइए हमें, तो वो जो दुआओं और आशीर्वाद का आप जिक्र कर रहे हैं वो भी मिल जाएगा हमें। जरूर जरूर। मैं बचपन से, मैंने जब से मैंने म्यूजिक में थोड़ा सा समझने लगा हूँ, तो मैंने लता मंगेशकर जी को बहुत सुना है, और उनको सरस्वती माता की तरह ही मैंने हमेशा माना है, और उनकी जो मेरे दिल में जो एक जगह है वो संगीत में, मतलब सबसे ऊपर है, क्योंकि जो सुर उन्होंने जो लगा है वो आज तक हुआ नहीं है और शायद होगा भी नहीं। तो एक उन्हीं का गाया हुआ एक प्रभु तेरो नाम, जो ये भीमपलासी और धानी राग में आधारित है, ये जयदेव जी ने कंपोज किया था, और मैं इसी राग से उनको श्रद्धांजलि भी देना चाहूंगा। भजन और इस भजन के बहाने
लता जी की यादों को भी हमने ताजा कर लिया। नवीन जी एक चीज और बताइए कि जब आपने अपना छोटे रहे होंगे और जब आपने ये तय किया कि म्यूजिक सीखना है, तो आपके मन में नहीं था कि मैं वायलिन सीखूं या सारंगी सीखूं या कुछ अलग सीखूं, या एक तरीके से ये कह लें कि तय था कि ये पिताजी ने इजाद किया है इसलिए मुझे यही सीखना है, ऐसा कुछ था मन में? ये मेरा जो बचपन गुजरा है ये मतलब म्यूजिक से बिल्कुल अलग ही हम लोग थे। हम लोग खेल कूद में ज्यादा इन्वॉल्व थे, जैसे क्रिकेट है फुटबॉल है, तो हमारी माता जी बहुत नाराज हुआ करती थी कि ये खानदानी काम है गाना बजाना, और हमें ताना मारती थी कि तुम्हारे बाप दादा क्या सचिन तेंदुलकर, क्या सचिन नहीं सुनील गावस्कर या कपिल देव थे क्या। तो हमें वो उस टाइम पर बहुत बुरा लगता था, फिर आज महसूस होता है कि काश हमने उस टाइम पर भी उस टाइम से ही शुरू कर दिया होता तो और हम सुर के और नजदीक जा पाते। तो मेरी शुरुआत बहुत ही लेट हुई, मतलब मैं जब एसएससी में था और एसएससी मैंने कंप्लीट की तब मुझे तबले का शौक हुआ सबसे पहले। और तबले का शौक इसीलिए हुआ कि मैं पिताजी के साथ में काफी कॉन्सर्ट अटेंड करता था, और मैं देखता था कि ये जो गाने वाले या जो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले भी तो बजाते ही हैं, पर तबला प्लेयर जब भी बजाता है तो तालियों की गड़गड़ाहट हो जाती है। तो ये चीज मुझे एकदम अट्रैक्ट कर गई और मैंने सोचा कि मैं तबला ही बजाऊंगा। और ऐसे फिर खेलते खेलते जैसे बच्चों बच्चे खेलते हैं ना कुछ भी मस्ती करते हैं, वैसे तबले से मस्ती करने लगा, और भगवान की न जाने क्या कृपा हुई कि खेलते खेलते थोड़ा बहुत बजने भी लगा, और पिताजी के साथ वो बड़े ख्याल छोटे ख्याल में ठेका लगाने लगा, और धीरे धीरे फिर छोटे प्रोग्राम्स भी मुझे मिलने लगे, जैसे कभी गणेश उत्सव का है, कभी नवरात्रि का है, कभी कोई माता जी की चौकी है, तो इस टाइप से मुझे ऐसे प्रोग्राम मिलने लगे। और फिर क्या हुआ कि जहाँ भी मैं जाता था और जहाँ पिताजी को जानते थे लोग, वो बोलते थे कि यार आपके घर में एक कोहिनूर हीरे जैसा एक इंस्ट्रूमेंट है जो वर्ल्ड में किसी के पास भी नहीं है और आपके घर में है, तो आप तबला लेके बैठ गए, तबला प्लेयर तो लाखों हैं। तो ये चीज मतलब सुनने में बड़ी अजीब लगती थी कि यार मैं तो तबला भी ठीक बजा लेता हूँ, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। फिर ये दिमाग में मेरे चलता रहा, और कुछ ऐसी भी बातें हुई कि कुछ मेरे घर के कुछ रिलेटिव्स है ये, और पिताजी के फ्रेंड सर्कल में से भी, तो कुछ एक जैसे क्या होता है ताने मारना वो भी मैंने सुना, तो मेरी जो माता जी है उनको ये अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने बोला कि तू बेटा तबला तो बजा रहा है पर तू ये बेला बार को बजा और लोगों को इससे जवाब दे, जितना भी होगा मैं तेरे साथ में हूँ। तो ऐसे ही मेरी माता जी की प्रोत्साहन देने की वजह से मैंने धीरे धीरे शुरू किया, और तबले के अंदर मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ में बजा चुका था, जैसे कि अनूप जलोटा जी, उस्ताद इरशाद खान, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी, और भी बहुत बहुत सारे लोग हैं। तो मुझे फ्रस्ट्रेशन होता था कि यार कहाँ मैं तबले में साइड पे हूँ और यहाँ बेला बार में सारे गामा बजाऊंगा ABCD से शुरू करूंगा, तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता था। तो उसी फ्रस्ट्रेशन में मैं इसमें गुस्से में तबले की तियाइयां बजाता था, और क्या हुआ है कि मैं इसको चमत्कारी समझता हूँ कि तियाइयां बजाते बजाते कब मेरे हाथ में ये लग गया, और फिर मुझे धीरे धीरे ये समझ में आया कि जो संगीत है इसमें मतलब गुस्से की नफरत की या बदले की भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उसके लिए है ही नहीं। तो भगवान की कृपा है कि मैं थोड़ा बजाने लगा, और इससे पहले जब तबला बजाता था तब मैं इसके बेलाबार के प्रमोशन में लगा हुआ था कि जो पिताजी बजाते हैं वो सामने आना चाहिए। हमको ये भी बताइए कि आपके पिताजी के बारे में तो बात हमने कर ली, इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर ली, थोड़ी सी और संगीत परंपरा के बारे में बताइए, क्या इससे पहले भी आपके परिवार में संगीत रहा है माताजी की तरफ से या पिताजी की तरफ से? हाँ जी, मैं इस बारे में बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मेरे पिताजी की तरफ से मेरे 3-4 पीढ़ियों से, जहाँ तक मुझे जानकारी है, 3-4 पीढ़ियों से संगीत चला आ रहा है,
और हमारे पिताजी की तरफ से सारंगी का घराना था, मतलब दादाजी भी सारंगी बजाते थे और उनके उनके जो पिताजी थे वो भी सारंगी बजाते थे। और जो मेरी मम्मी के जो पिताजी मेरे नाना जी वो थोड़े ऑलराउंडर थे, जो तबला भी बजाते थे, हारमोनियम भी बजाते थे, सारंगी भी बजाते थे। तो शायद कहीं ना कहीं उनका कुछ आशीर्वाद लग गया कि मैं ये दोनों काम कर लेता हूँ। और मेरे जो मामा जी हैं, एक परमानंद जी हैं और एक हमारे दो मामा जी गुजर गए हाल ही में, एक शंकर लाल जी और एक राधे श्याम जी। तो ये लोग तबला बजाते थे और इन्होंने मुझे भी बहुत प्रोत्साहन दिया। और मेरे पिताजी के जो घर में क्लासिकल म्यूजिक के साथ साथ में बैंड का भी चलन था, तो वहां पर क्या होता है कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट एक इंसान बजाता है। और ये जो हमारा बंबई में जो बैंड होता है वैसा नहीं, मतलब बाकायदा कोई अगर सुनेगा तो उनको रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसे ऐसे बजाने वाले हैं। तो उस घराने से मैं बिलोंग करता हूँ। आपके बैंड की भी चर्चा करेंगे, लेकिन अब चूंकि आपने अपने की अपनी संगीत परंपरा, अपने माँ के परिवार की संगीत परंपरा के बारे में इतना कुछ हमें बताया, तो मैं गुजारिश करूंगा कि कोई शास्त्रीय राग आप हमें सुनाइए, जिससे इस परंपरा की महक थोड़ी सी और फैले। जी जी बिल्कुल। मैं आपके सामने राग रागेश्वरी प्रस्तुत करूंगा। Thank you.
राग रागेश्वरी जो कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रचलित रागों में से है, उसको सुनने के बाद अब हम आते हैं नवीन जी के बैंड पर, और जिस बैंड का नाम है अनुराज। इस बैंड के बारे में बताइए। हाँ जी, ये अनुराज जो क्लासिकल बैंड है, इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि मैं क्लासिकल तो बजाता ही था, पर कुछ ऐसा मुझे अनुभूति हुई कि मुझे इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए मुझे थोड़ा सा दायरा बढ़ाना पड़ेगा, और क्लासिकल के अलावा भी मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो मेरी पहचान बने, क्योंकि आप बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों को जानते ही हैं, जैसे उस्ताद रईस खान साहब, पंडित रामनारायण जी, पंडित शिव कुमार शर्मा जी, बड़े बड़े पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, तो इन्होंने संगीत को इतने ऊंचे दर्जे पर लेके गए हैं, और उन्होंने काफ़ी बहुत सारी मेहनत भी की, मैं उनके बारे में क्या बोलूं। तो क्या है कि अब मेरी जो आधी लाइफ है वो तो तबले में चली गई, अब मैं इस बेलाबार इंस्ट्रूमेंट में मतलब बहुत लिमिटेड ही काम कर पाऊंगा, क्योंकि एक शरीर भी होता है कि जो एक एक लिमिट होती है रियाज करने की भी, तो दोनों को कायम रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा काम करूं कि कोई सुने तो बोले अरे ये तो नवीन गंधर्व है। तो जो मैंने तबला सीखा था उसका, और जो जो भी मुझे राग पता है, थोड़े बहुत राग पता है मुझे, तो उसका दोनों का मैंने मिश्रण किया, जिसमें जो शास्त्रीय ताल है, जैसे रूपक है, जब ताल है, एक ताल है, आड़ा चौताला है, मत ताल है, और जैसे राग है भीमपलासी, झिंझोटी, गावती, हंसध्वनि, यमन, तो ऐसे रागों को कॉम्बिनेशन किया, और ये जो मैंने बचपन में जो रात रात भर वॉकमैन में अच्छे अच्छे कलाकारों का जो म्यूजिक सुना था, तो वो इसमें निकल के आया, और भगवान की ये कृपा रही कि हमने इसको लेकर एक एल्बम भी बनाया। और मैं अपने भाई साहब देवानंद गंधर्व जी का जिक्र करना चाहूंगा कि वो बहुत ही अच्छा कीबोर्ड बजाते हैं, क्लासिकल कीबोर्ड, तो उनकी मुझे इसमें बहुत मदद मिली, और मतलब अगर वो नहीं है तो मेरा बैंड नहीं है, बिल्कुल ये समझिए। तो कुछ सुना भी दीजिए उस बैंड का हमें। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, एक झिंझोटी राग में एक कंपोजिशन से वेलकमिंग लव।
आपके बचपन की बात हुई, इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने विस्तार से जाना, शास्त्रीय राग भी सुने और ये भी जाना कि कैसे आपने तबले को छोड़ने का ना कहें बल्कि ये कहें कि तबले के साथ साथ इस साधना में आप आए। नवीन जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये भी है कि इस इंस्ट्रूमेंट की एक्सेप्टेंस कितनी है अभी आप जब जाते, क्योंकि शास्त्रीय संगीत बहुत सारे नियम कानून दायरों से बंधा हुआ है, क्या आप जब जाते हैं शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में और बड़े बड़े कलाकारों के साथ संगत करते हैं, आपको क्या लगता है कि इस इंस्ट्रूमेंट को अभी पहचान मिलने में या इसकी एक्सेप्टेंस में समय लगेगा, या आपको लगता है कि नहीं समय नहीं लगेगा और बल्कि इंस्ट्रूमेंट को जो इज्जत मिलनी चाहिए वो अब मिल चुकी है? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बेला भार जब मेरे पिताजी भी बजाया करते थे तो काफी बड़े बड़े कलाकारों के साथ बजाया उन्होंने और उन्हें भी बहुत तारीफ मिली और बहुत प्रोत्साहन मिला। उन्होंने पुरुषोत्तम उपाध्याय, आशीष देसाई जी, अनूप जलोटा जी और ऐसे काफी काफी गजल गायक, भजन गायक और ठुमरी गायकों के साथ में बहुत बजाया और काफी उसका आर्टिस्टों में काफी अच्छा नाम है। पर क्या हुआ कि आम जनता तक ये नहीं पहुंच पाया और फिर मैंने जब इसको हाथ में लिया तो मैंने एक 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 कसम या एक प्रण लिया कि मैं इसको सोलो ही बजाऊंगा और अगर अगर सोलो अगर नहीं हो पाता किसी कारण से और कोई चाहता है कि उनके म्यूजिक में बेला भार आए तो मैं कोलेब्रेशन करूंगा। कोलेब्रेशन का मतलब ये होता है कि दो आर्टिस्ट होते हैं, दो या तीन या चार, तो उन सबका इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उस म्यूजिक ट्रैक में, मतलब कोई भी पीछे नहीं होता, कोई भी आगे नहीं होता। इस टाइप के कोलेब्रेशन मैंने बहुत किए हैं और ना भारतीय आर्टिस्ट के अलावा मैंने विदेशी कलाकारों के साथ भी बहुत कोलेब्रेशन किए हैं और काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और ये जो आपने बोला कि एक्सेप्टेंस मिल रहा है कि नहीं, ये मुझे मिल रहा है और मेरे ये बेला भार के लिए मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं और छोटे मुंह बड़ी बात, मैं ये चाहता हूं कि ये हमारे भारत को भी ये बेला भार के नाम से जाना जाए और बेला भार को भारत के नाम से जाना जाए, ये मेरी सोच है। मैं अपने आप को बहुत छोटा समझता हूं पर मेरी भारतीय संगीत और बेला भार के लिए एक बहुत बड़ी सोच है, तो मैं ये हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ हमेशा। आपने जो कहा कि हिंदुस्तान को बेला भार और बेला भार को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाए, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला, हमसे बातचीत की।